आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अदाकार, मौसीकार, गुलूकार, फनकार और मजहबी रहनुमा सब माशरा बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या माशरा बदल रहा है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। मैं हूं पारस जहांजेब। भारत परेशान है, इसराइल परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। कभी एक शहर कभी दूसरे शहर में मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। दुनिया के सारे काबिल और जहीन लोग सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि देखो क्या होता है, क्योंकि एक बार जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि ये कौम घास खा लेगी लेकिन एटम बॉम्ब जरूर बनाएगी, और फिर इस कौम ने एटम बॉम्ब बना लिया। लेकिन अब तो इस कौम ने गधे, मुर्दार गोश्त, मिलावट शुदा मसाले, दूध और पता नहीं क्या क्या खा लिया है। अब देखें क्या बनाती है। बहरहाल अब पता नहीं कि हम कुछ बना पाते हैं या नहीं, लेकिन एक इत्मीनान जरूर है कि इस बार कम से कम गोश्त असली, खालिस, साफ और हलाल ही खाएंगे। यही है आज के दौर में ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान का सबसे बड़ा फायदा। वैसे कहा जाता है कि बकरे के गले पर तो छुरी ही बकरा ईद पर ही फिरती है। हमारी आवाम तो पूरे साल ही बकरा बनी रहती है, पूरे साल ही छुरी के नीचे रहती है। महंगाई के नाम पर, रोजगार के नाम पर, टैक्स के नाम पर, सेहत, तालीम, गैस, बिजली, पानी के बिलों और मेरिट के नाम पर आवाम की कुर्बानी का सीजन सारा साल रहता है। और मजे की बात यह है कि आवाम हंसी खुशी कुर्बान होती रहती है। शायद इसकी वजह यह है कि आज मुबल्लिग़ और दानिश्वरों की बात असर से खाली है। गुलूकार का गला कला से आरी है, साज़ो आवाज़ के लिए बेहंगम शोर पर थरकने के बजाय तड़पने का दिल चाहता है। अब सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलने दिया जाए? जो लोग एक्सपर्ट हैं, जिनको आवाम जानते और मानते हैं, क्या वो कुछ कर सकते हैं या इस माहौल में वो भी खुद को बेबस समझते हैं? इस बारे में मजीद बात करने के लिए आज हमने जिस पैनल को बुलाया है, इसमें कोई सियासतदान नहीं है बल्कि अपने अपने शोबे के मशहूर मारूफ नाम है। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा हसन जफर नकवी साहब ने। हमारे साथ मारूफ कव्वाल अमजद साबरी साहब मौजूद हैं और मारूफ गुलूकार इबरारुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अल्लामा हसन जफर नकवी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और कम से कम आज आपको, हम सबको इस बात का इत्मीनान है कि अब जो आइंदा कुछ दिनों तक हम गोश्त खाएंगे ना, वो हमारे सामने जानवर ज़िबा किया हुआ होगा और हमें ये पता होगा कि हम किस चीज़ का गोश्त खा रहे हैं, क्योंकि मार्केट का तो अल्लामा साहब आपको पता है ना। वैसे अल्लामा हसन जफर नकवी साहब, क्या ख्याल है कि ये जो खबरें इस तरह की कि इसका गोश्त पकड़ा गया और उसका गोश्त पकड़ा गया, ये सब क्या है? क्या हम इतना गिर चुके हैं? सबसे पहले तो दिन में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे को मौका दिया। देखिए, इस वक्त जो दर्द 20 करोड़ इंसान महसूस कर रहे हैं दिल में, वही मेरे दिल में भी दर्द है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कुछ दिन तक हमें हलाल गोश्त मिल जाएगा, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि ये जो रोजाना आप लोग खबरें नशर करते हैं, पकड़े जाते हैं, शायद आपको नहीं मालूम, मेरे इसमें है ये बात कि वो जो पकड़े जाते हैं वो 30 से 34 दिन छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वो असल मुजरिम नहीं बल्कि पूरी इनके पीछे एक माफिया, जैसे हर जगह आप सुनते ना चाइना कटिंग और लैंड माफिया, ये माफिया, वो माफिया, यहाँ भी वो बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े अफसरान उनके पीछे होते हैं। ये मैं इसको अजाब तो नहीं कहता, लेकिन जो हमारे आमाल है ना, 67 साल जो हमने इस मुल्क के साथ किया है, हर एक ने किया। देखिए, मैं बिला तफरीक बात अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ये कबूल करने में कोई आर नहीं है कि इसमें उलमा का भी एक बड़ा तबका शामिल है जो आंखें बंद किए रहा, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि किसी भी तरीके से वो इन हालात से निकाले, और इसीलिए जो भी इसलिए कदम तरफ कदम बढ़ाता है, आप देखेंगे पब्लिक का फेवर हर तबके से उसके साथ चला जाता है, चाहे वो किसी भी अलामा साहब। एक तरफ से तो हमने बात की ना, इसी हवाले से जरा दूसरी बात, अभी मैं आपसे बात कर रही थी ना, क्या हम इतना गिर सकते हैं? दूसरी बात, आपने चूंकि मीडिया का जिक्र किया तो मीडिया पर ही आपने रिपोर्ट्स ये भी चलती हुई देखी होंगी, क्योंकि देखिए कुर्बानी तो एक मजहबी फरीजा है ना, और इस वक्त हम सब इस फरीजे को अंजाम दे चुके हैं, तो रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी ना, वो गाय और बकरे के नकली दांत लगा दिए, चार थे तो दो तोड़ दिए ताकि उसकी उम्र कम लगे, सींग घिस दिए, और जानवर की दुम टूट गई तो वो भी एल्फी से चिपका के या पता नहीं किसी भी चीज से चिपकाकर उस
उसको भी बेच दिया, तो ये इतना धोखा हमारे अंदर कहाँ से आ गया है कि हम अपने मजहबी त्योहारों को भी नहीं छोड़ते। आपसे आपसे एक इजाजत चाहता हूँ, आप इजहार राय की आजादी की बात करते हैं, आप मुझे इजाजत देती कि मैं अपनी राय का आजादाना इजहार करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा हक है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये सब आपने कहा और मैंने ऐसी भी चीजें देखी कि जानवर बेचने के लिए सिर्फ मस्नूई दांत नहीं, मॉडल्स के साथ उनकी रैंप जो क्या कहलाती है, कैटवॉक, मुझे तो पता नहीं कैटवॉक क्या होता है। आप मुझे बताएं कि कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी मजहबी काम को बेचने के लिए मॉडल्स की वो जो है वॉक कराई जा रही है, वो डोरियां पकड़ के जानवरों को चल रही है और सारे चैनल दिखा रहे हैं, तो मेरी बहन थोड़ा सा मीडिया को भी तो ये चीज ख्याल करनी चाहिए ना कि देखिए एक तरफ मैंने जैसे कहा कि माशरे का हर तबका इसमें शामिल है, हमारी मजहबी रसूमात को हमारी इबादात को फेस्टिवल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत गहरी साजिश है। मैं रमजान में भी इसकी ज्यादा भुगत चुका हूँ ये बात कहने का कि भाई ऐसा ना करो, जब आप ये करेंगे तो वो दांत वांत वाला तो छोटा सा मसला है, आप मॉडल्स के साथ जानवर बेचने खड़ा करके मॉडल्स को देखने के लिए लोग हैं, कौन सी सुन्नत इब्राहिमी, कौन सी इबादत? ठीक अलामा साहब, आपने अभी कुछ देर और प्रोग्राम में हमारे साथ रहने, चूंकि जो दूसरे हमारे मौजूद मेहमान है जरा उनकी भी मैं इसी पर राय लूंगी। और अमजद साबरी साहब, इस बार कुर्बानी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि सुना है आप तो खुद जानवर बड़े शौक से खरीदने जाते हैं, तो आपके साथ तो कोई ऐसा धोखा नहीं हुआ जिसका जिक्र मैं अभी अलामा साहब से कर रही थी, क्योंकि आप फनकार हैं और कहा जाता है कि मार्केट में आपसे भी बड़े बड़े फनकार होते हैं। सबसे पहले तो आपके देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद भी मुबारक और हज भी मुबारक, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं जी कि हमारे जो कुर्बानियाँ मेरे वाले साहब करा करते थे और अब उनके बाद मैं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह देख जांच के लेके आते हैं और कुर्बानी के जानवर को देख के और जांच के लेके आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुर्बानी खुद करते हैं आप या कसाई कुर्बानी करता है आपके यहाँ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम खुद करते हैं कुर्बानी। तो वो जानवर उसकी खाल जानवर को खुद आप लेटाते हैं, आपको देख कर ही लेट जाता है बस फौरन? नहीं, हम बगैर, आप यकीन कर लें कि बगैर उसके पैर बांधे हम गिरा देते हैं। इस काम में भी माहिर हैं आप? इस काम में भी माहिर हूँ, यानी ये भी एक्सपर्टी आज पता चल गई है आपकी हमें। हर मुसलमान को कुर्बानी करनी आनी चाहिए, जरूरी नहीं कि बस वो छुरी फेरे और हट जाए पीछे, हर मुसलमान को कुर्बानी आनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल ठीक, लेकिन देखिए एक और बात इसी से, आपने कहा ना कि ये आना चाहिए हर मुसलमान को, लेकिन कहा जाता है ना कि ईद उल अजहा पर ये कुर्बानी नहीं, हमारा तकवा ऊपर जाता है, लेकिन अभी जो बात अलामा साहब कर रहे थे हम जो साबिर साहब, कि इस कदर दिखावे के हम आदि हो चुके हैं, शोबाजी के हम आदि हो चुके हैं कि तकवा नहीं, लगता है कि सारा फोकस हमारा कुर्बानी पे ही है, मानते हैं आप इस बात को? गए होंगे ना मंडियों में? मैं बिल्कुल मंडी में गया हूँ। अच्छा एक बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ जी, ये नहीं कि अल्लामा साहब की बात से, लेकिन जो दूसरे लोग भी हैं कि कहते हैं कि जी दिखावे के तौर पे मैं 20 लाख का लेके आया, मैं 25 लाख का लेके आया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कुर्बानी के लिए, सुन्नत इब्राहिमी के लिए ये मुकाबला, ये और ये जो हम दिखाते हैं कि भाई ये देखिए मैं इतना महंगा लेके आया, दिखाना चाहिए इसलिए कि जो हमारे बच्चे हैं उनको पता लगे कि कुर्बानी होती है, वरना हमारे नहीं। हम साहब क्या इस ये जो आप मुकाबला कह रहे हैं इसका गलत रुझान पैदा नहीं हो रहा कि इतने लाख की गाय, इतना महंगा वो बकरा और दूध पीने वाला बकरा, हुक्म मानने वाला बकरा और डांस करने वाली गाय और डांस करने वाला बकरा, क्या है ये सब? नहीं, दिखावा ये तो नहीं होना चाहिए, खैर के ये तो दिखावा है, लेकिन मैं नहीं, ये इसलिए दिखावा होना चाहिए, नहीं ये दिखावा नहीं होना चाहिए कि डांस करने वाला बकरा लेके आया हूँ मैं और दूध और दूध पीने वाली गाय लेके आया हूँ। जानवर अच्छा जानवर है ना, ये क्वालिटीज तो नहीं होनी चाहिए ना कुर्बानी के लिए कि डांस आता हो उसको? कुर्बानी के लिए आप अपना जानवर देखें तो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, और ये सोच के लीजिए कि आपको पुलसरात पे इसी पर बैठ के सफर करना है कि जो आपको वो सफर आगे तक कराएगा। ठीक, अच्छा लोग इसीलिए बहुत बड़ा लाते हैं कि सब बैठ जाए उसके ऊपर? हाँ जी, वो लोग यही समझ के लेके आते हैं कि सारी फैमिली एक ही पे बैठ जाए तो अच्छा है। अच्छा अरुण साहब, इस ईद पर आपने किसको बकरा बनते देखा, बकरा ही असल में बकरा बना या फिर अवाम को बकरा बनता हुआ देखा? चूंकि कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ तो हमेशा अवाम ही बकरा बनती है, यानी उसी की कुर्बानी होती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक भी
और हज मुबारक भी, और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आप कर रही हैं, इसको इसके लिए भी मुबारकबाद। और जो अभी तक आपने टॉपिक्स छेड़े हैं, मैं सोच रहा था पॉलिटिकल गैर पॉलिटिकल प्रोग्राम इतना अच्छा कैसे होगा, लेकिन आपने उसको माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उसको चला लिया जी। तो एक तो भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कि जी डांस करने वाला बकरा और वो डांस करने वाली गाय और गाने वाला बकरा, तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे टैलेंटेड जानवरों की कुर्बानी हो भी रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो देखें, एक अपनी कीमती चीज़ को कुर्बान करना एक अच्छी बात है, भली बात है। लेकिन अभी जो आप लोग बात कर रहे थे के महंगा बकरा और उसको देखिए, अगर तो उसमें दिखावे का आंसर है कि मैं लोगों को दिखा के सोशली इंप्रेस करूं, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर अल्लाह को राजी करने के लिए कि मालिक मैं तेरे लिए और सुन्नत इब्राहिमी को पूरे करने के लिए इतने सारे पैसों का बकरा लेकर आया हूँ, टैलेंटेड बकरा, उसको कुर्बान तेरी राह में करूँ, तो उसका अजर हमें इंशाल्लाह अज़ीज़ जरूर मिलेगा। ऐसा है कि हमें बिल्कुल एक हकीकत पसंद होना चाहिए, हकीकत पसंदी के साथ मसाइल को देखना चाहिए जी। देखिए ये बात उसूली तौर पर बिल्कुल सही है, क्या आप अच्छे से अच्छा जानना जानवर लें और बेहतरीन जानवर लें, आपकी इस्तेआत है, आप कीमती जानवर भी लें। यहाँ बात करिए कुछ और, कुरान मजीद में इरशाद हुआ फवैलुलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम साहून वल्लज़ीना हुम यराऊन, यानी उन नमाज पढ़ने वालों पर भी वैल हो वाय हो। इसका तर्जुमा मैं नहीं करना चाहता कि क्या क्या इसका तर्जुमा किया गया है, जहन्नम की घाटी भी बताया गया है, कि जो अपनी इबादतों में रियाकारी करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, हमारी मुराद वो है कि कितना ही महंगा। अब इसका देखिए नतीजा इस मुकाबले का, मेरे भाई अमजद भाई भी जानते होंगे और अबराज साहब भी समझेंगे कि इस मुकाबले का नतीजा ये निकलता है कि वो बेचारा एक आम आदमी जो 18-20 हजार की इस्तेआत रखता है जानवर लेने की, वो जानवर इस मुकाबले में चला जाता है 50 हजार की, और वो हसरत से खाली हाथ अपने घर वापस आता है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है, आप बेशक महंगा जानवर लेंगे, लेकिन इस पर जो मुकाबला और मुसाबिका हो रहा है उसमें एक आम आदमी बेचारा वो महरूम रह जाते हैं, और हम उसको कहते हैं कि सब ठीक है, अब एक आदमी लाके 10 लाख की, अभी आप देखिएगा 10 लाख से लेकर मैं वालेवा कर रहा हूँ तो 8-10 लाख की गाय तक आ जाएगी, अभी आपके टीवी पर आ जाएगी, महंगी महंगी हमने सुनी है टीवी के पैकेजेस में हमने देखा है। क्या होता है कि अब वो जनाब ये काजू खाता है, जो अब एक साल में देख रहा था जब तक कोई नीचे नहीं देगा मुझे कि वो इसको यही भाई भाई कि भाई ये क्या तमाशेबाजी हो रही है, ये तो तमाशा हो रहा है ना। ठीक है, बेशक मैं जब तमाशा अलामा साहब ख्याल रखूं, तमाशा आपने कहा तो क्या तमाशा सिर्फ यही हो रहा है? जरा अब ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें बाकी चीजों को भी हम शामिल करते हैं। बीबी आपने क्योंकि सिर्फ इस बात का पूछा तो मैं कह रही हूँ बाकी चीजों को भी शामिल करते हैं, अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल हर जगह जब माशरा डिक्लाइन की तरफ जाता है ना, तो इज्तमाही तौर पर नहीं जाता, फिर पूरा माशरा जाता है, उसी के असरात है ना ये, यही तो मैंने पहले अर्ज किया था, क्योंकि हमारे हर सेक्टर में ये हो चुका है ना, उसके असर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो फिर जब हम सारे सेक्टर्स की बात करें, तो एक बात दोबारा करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, कि मौलाना साहब की बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कहूंगा बात वही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। देखिए इधर इसी मुआशरे में करोड़ों अरबों पति लोग भी रहते हैं और कमजोर लोग भी रहते हैं, तो अगर किसी शख्स ने अपनी गाय पे मेहनत करके और बेशुमार मेहनत करके पैसा लगा के उसको बड़ा किया है और वो तो उसका मुआवजा उसको ज्यादा क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अगर कोई अरबोंपति शख्स उसकी कुर्बानी देना चाहता है और उसकी नीयत ये है कि मेरा मालिक मेरे से राजी हो जाए क्योंकि मैं अफोर्ड करता हूँ, मैं एक खूबसूरत जानवर करूँ, हैं जी, तो सुन्नत भी है खूबसूरत और अच्छा जानवर करना, तो मैं समझता हूँ नीयत का अजर मिलना चाहिए, और इससे ये कभी भी नहीं होता कि जो कमजोर बकरा है उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। बाकी इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इब्रारुल हक साहब आपसे, फिर अमजद साबी साहब आपकी तरफ में आऊंगी। इब्रारुल हक साहब, अभी हमने इस वक्त मेरे प्रोग्राम में ना तीनों लोग जो है वो अपने अपने शोबों के माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, आपका ताल्लुक और अमजद साबरी जो हैं उनका ताल्लुक फनून लतीफा से है, जरा ये बताएंगे कि आजकल ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फील्ड है, इसमें कितना फन है और कितना लतीफा है? वाह, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। मैं समझता हूँ इसमें फन भी है और लतीफा भी है और ज्यादा अच्छा क्या है और बड़ा क्रिएटिव है। एक चीज मैं जरूर उसके तरफ निशानदेही करूंगा कि याद रखें, मुल्क की हालात जब तब्दील होते हैं तो उसका सबसे पहला असर जो है वो फनकारों पे होता है, क्योंकि वो इंतहाई हसास तरीन लोग होते हैं उस मुआशरे का, शोरा कराम भी उसमें आ जाते हैं, आपके लिखने वाले उस पर आ जाते हैं, आपके मुफक्किर, आपके दानिश्वर और फनकार, और फिर वो उनके फन के अंदर उसकी छलक जरूर नजर आती है। यानी कि मुल्क के हालात अगर चीखने के काबिल हैं तो सारे फनकार चीख रहे हैं, फिर ये समझा जाए जी। आपको मैं अर्ज करूँ कि आप देख लें कि पिछले 10 साल में जब से ये टेररिज्म की एक
ख़तरनाक किस्म की लहर से दो चार हैं हम, कितने हमारे एल्बम्स हिट हुए हैं या कितने वो खुशी वाले तराने और गाने जो हैं वो हमने गाए हैं, वही अबरार जो किसी ज़माने में जट चढ़या कचहरी गाया करता था और बड़े लोग नाचते थे, वो आज सर जलाएंगे रोशनी होगी उस उजाले में फैसले होंगे, वो इस तरह के गाने क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो एक फनकार है और वो एक हसास फर्द है, तो मैं जानना आपसे ये चाह रही थी कि कहा जा रहा है कि जो जदीदियत है ना, इसने हमारे म्यूजिक को आधा तीतर आधा बटेर बना दिया, ना पंजाबी का मिसरा पूरा है, ना उर्दू का, ना ही बेहतरीन अंग्रेजी का है, इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा और बना दिया गीत, तो ये इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी? वो फन नजर क्यों नहीं आ रहा? वो जिद्दत, वो दिल को छू लेने वाली मौसीकी, बेहतरीन शायरी, बोल, मधुर धुने, कहाँ है ये सब? वो अल्फाज गानों में शामिल हो गए हैं जो आम बोलचाल में नहीं होते, आम गुफ्तगू में नहीं होते। असल में बदकिस्मती से एक चीज तय है कि जब कल्चराइजेशन का अमल जारी और सारी रहता है तो उसमें डिफरेंट कल्चर्स आपके कल्चर में आके शामिल होते हैं। जस्ट वेस्ट के अंदर जो क्लासिकल मौसीकी से पॉप म्यूज़िक, उसके बाद फ्यूजन, उसके बाद रॉक म्यूज़िक तक का सफ़र हमने देखा, इसी तरह अब वो हमारे यहाँ भी नज़र आने लगा है। और रॉक म्यूज़िक अगर हम वहाँ चले जाएँ तो वहाँ पर तो अल्लाह माफ़ करे गलीज जुबान भी इस्तेमाल की जाती है गानों के अंदर। आप तो सिर्फ आमेजिश की बात कर रही हैं, अल्लाह ना करे वो हमारे मुआशरे में आए। लेकिन जब मीडिया, सोशल मीडिया बिलखसूस इतना बड़ा हो और पूरी दुनिया एक गांव की तरह बन जाए तो फिर ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने अभी बात की, रिफ्लेक्शन है माशरे की। लेकिन अमजद साबरी साहब, देखिए म्यूजिक जो है ना वो सभी सुनते हैं, इस बात पर आप यकीन रखते होंगे ना, कोई आज का सुनता है, कोई माजी का सुनता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि म्यूजिक अब मौसीकी की ये रूह की गिजा है या दिमाग की सजा है? क्योंकि कहा जाता है ना कि पहले म्यूजिक सुनते थे तो सुकून आता था, अब म्यूजिक सुनते हैं तो जुनून आ जाता है। सही है, सही कह रही हूं मैं? बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं, और जिस तरह अबरार भाई ने भी कहा कि म्यूजिक जो है उसको गलीज जुबान भी यूज हो रही है उसके अंदर, लेकिन हमारे यहाँ का म्यूजिक अल्लाह का करम है अभी बचा हुआ इससे। लेकिन जिस तरह आपने जो पहला सवाल किया था अबरार भाई से आपने कि ये फन कितना है और इसमें लतीफा कितना है, तो फन इसमें कम हो गया, लतीफा ज्यादा हो गया। आप पुराना म्यूजिक देखेंगी ना, आप आज भी सुनेंगी तो आप सर धुनेंगी, और आज का म्यूजिक जो है वो आप 15-16 दिन सुन लें, 2-4 दफा सुन लें, उसके बाद आप बोलते हैं कि भाई कोई नया आना चाहिए, क्योंकि ना उसकी शायरी होती है, ना उसमें कोई गाने वाले का इतना कमाल होता है। यानी दिमाग की सजा है, वो दिमाग की सजा है आपका जो म्यूजिक। अच्छा, है अभी जो मैंने इसमें, उसको भी आप सही तरह, जी जी, अभी जो मैंने इसमें जुनून की और सुकून की बात की ना, तो मुझे लगता है ये मेरा ख्याल है अमजद साबरी साहब कि आप भी इन मराहिल से गुजरे हैं, चूंकि आप काफी गुस्से में थे, काफी परेशान थे कि आपकी जो मारूफ हो मशहूर कवाली है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, उसके साथ इंडिया में इंसाफ नहीं किया गया, तो अभी जो आपकी दूसरी मशहूर मारूफ कवाली है ताजदार हरम, उसके साथ पाकिस्तान में क्या किया गया है वो भी देख रहे हैं ना आप, क्या कहते हैं? बिल्कुल, एक तो आतिफ असलम ने जो कवाली की है या कोक स्टूडियो ने, एक तो मुझसे उन्होंने इजाजत ली थी इस कवाली की, इजाजत ही तो मैं बात नहीं कर रही हूं, आतिफ ने जिस तरह सच बताना है, आज ईद है, आज सच बोल दें, आप वैसे भी सच बोलते हैं, मैं हमेशा मेरे लिए, हाँ मेरे लिए हर दिन ईद का दिन है और हर रात शब रात की रात है, और आप यकीन कर लें मैं सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। आतिफ असलम ने जिस तरह गाने की कोशिश की है, वो एक सिंगर है और उन्होंने अपनी तरह से गाया है और बहुत अच्छा गाया है। हाँ, अगर मैं कोई आतिफ असलम का गाना गाऊंगा तो शायद मैं अपने अंदाज से गाऊं तो वो एक कवाली का अंदाज हो जाएगा। अच्छा, कोई तरीकेकार, ये कोई तरीकेकार नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में कि ये जो कवाली है या ये जो गीत है ये किस आवाज पर अच्छा लगेगा, या बस जो दिल किया जिसका दिल किया बस गा लिया, बेचारे सुनने वाले का जो भी हाल होता रहे? हाँ, ये है कि सुनने वालों के जो अगर दिल टूटे हैं या नहीं, बहुत सारे देखिए, आपका तो नहीं, जो पुरानी कवाली सुनने वाले हैं नहीं नहीं मेरा दिल तो नहीं टूटा, लेकिन मैं बताऊँ जो पुरानी कवाली सुनने वाले हैं उन्होंने मुझसे शिकायत की कि भाई ये आतिफ ने गलत किया, लेकिन जो नए सुनने वाले हैं उन्होंने मुझसे ये कहा कि यार अमजद भाई, आतिफ असलम ने आपकी कवाली को और मजीद अच्छा कर किया और हमें और अच्छी लग रही है, जो यंगस्टर्स हैं वो सुन रहे हैं, तो इससे मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने अपने अंदाज से गाया है ये गलत नहीं किया उन्होंने। अच्छा अलामा साहब, एक मैं आखिरी चीज बस आपसे पूछना चाहूंगी, ये बताइएगा कि अभी जो हम ये बात कर रहे थे सुरो जो बेसुरे हैं वो सुरीले बन गए, चूंकि कहते हैं जदीद आलात ने जो है वो बेसुरों को सुरीला बना दिया, सिंगिंग के लिए बड़ी आसानियां फराम कर दी हैं,
हम देख रहे हैं ना कि जिनको पढ़ना चाहिए वो पढ़ा रहे हैं, जिनको सीखना चाहिए वो सिखा रहे हैं, जिनको खुद तरबियत की जरूरत है, जिनको मजहब को जानने की जरूरत है वो हमें दर्ज दे रहे हैं, वो हमें दीन समझा रहे हैं। तो मैं वही आपसे बात करूंगी, क्या फिर हम हमारा पूरा माशरा हम सभी डिक्लाइन की जानिब जा रहे? बीबी पारस देखें, मसला ये है कि अब जाहिर है कि जो टॉपिक आपने छेड़ा मेरे भाई अमजद साबी साहब से और अबरारुल हक साहब से, उसमें तो मैं इतना माहिर नहीं, लेकिन हाँ मैं एक बात ये जानता हूँ कि बचपन से मेरे कानों में अमजद साबी साहब के वालिद मरहूम गुलाम फरीद साबी साहब की आवाज गूंज रही है, और मेरे पसंदीदा, और इनको भी मालूम है कि मैं कभी इनसे भी फरमाइश करता हूँ उनका कलाम सुनने की, कई बार मैं तो हाँ बिल्कुल, तो वो हमारे जहनों में वही तराने मिली, तराने मिली नगमे और वो कवालियाँ वो हमारे जहनों में मौजूद हैं, और उस पर हम इश्कार और एतराज भी कभी भी नहीं उठाते। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ जिसका जो काम है क्या वो कर रहा है, जिसको पढ़ाना चाहिए क्या वो पढ़ा रहा है? मैं बता रहा हूँ कि अब मुसीबत ये हो गई है कि देखिए इसका सबब ये हो रहा है कि हमसे सबसे पहले हमारा अदबी विरसा छीना जा रहा है, और अदबी विरसा इसलिए छीना जा रहा है कि मैं नाइन्थ और टेंथ में गालिब, मीर तकी, मीर मीर अनीस इन सबको पढ़ चुका था, मुश्ताक जगाना चंगेजी को पढ़ चुका था, अब उर्दू को बिल्कुल एक तरह से खत्म करके जब अदबी विरसा हमारा छीना जाएगा तो हमारा मजहबी विरसा भी चला जाएगा। अब जिसकी जो फील्ड नहीं है, देखिए बड़ी माजत के साथ ये दोनों मेरे भाई हैं और मेरे छोटे भाइयों की तरह है अपने, मैं तो छोटों को अपनी औलाद की तरह समझता हूँ, लेकिन ये खुद भी मेरी इस बात की तायद करेंगे कि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई गुलकार बैठ के मजहबी काम में फतवा देने लगे या किसी मजहबी फतवे को, जैसे मेरा काम नहीं कि मैं इनकी फील्ड में, मैं तो नहीं जानता मौसी जी के राज हम राज नहीं, लेकिन हम बोलते क्यों नहीं है अल्लामा साहब? आप ये देखें कि तनकीद करनी हो, बुरा भला कहना हो, आप सियासतदानों को कह देते हैं, क्या उनकी गर्दन बहुत पतली है कि उन पर हम आसानी से बोल लेते हैं और बाकी सब अपने अपने मौसम में मुकद्दस गाएं? मेरी एक छोटी शेर सुन लीजिए, मैं आपको वो भेज दूंगा कि जिसकी बिना पे पूरे रमजान में मेरा खुद बाइकाट रहा, गैर एलानिया बाइकाट रहा, मैं बोला हूँ हर दफा बोलता हूँ, आज भी मैं बात करूँ और हमेशा बात करूंगा कि जिसकी जो फील्ड है वो उसके पर राय दे, खुदारा मजहब पे रहम करे, मजहब पे उन्हीं को बोलने का हक है जो पार्टियां, और जो ऐसा नहीं करे उन बाकी लोग उनके चेहरों को बेनकाब करना चाहिए ना, हमें उस पे भी बोलना चाहिए। जरूर मैं अपना वो क्लिप भेजूंगा जिस क्लिप की वजह से मुझ पर पूरे महीनों में खुश रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा नाम इसमें है कि मैं उन मेलों में शामिल नहीं था। ठीक है, ठीक है। अच्छा अलामा साहब, मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाना है, और अबरारुल हक साहब हम कर रहे हैं और आगे भी प्रोग्राम में हम बातें करते रहेंगे, लेकिन जो आपको जवाब देना चाहूंगा मैं, चले आप बात का जवाब भी दे दें। अबरारुल हक साहब, जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं ना हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे, वो आपसे कुछ सुनना भी चाह रहे होंगे, और वैसे भी ईद का समा है, तो अगर आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग उसके कुछ बोल सुना दें, वाह तो क्या ही बात है, फिर क्या ख्याल है, उसके बाद हम ब्रेक भी ले लेंगे। पर साहब मैं अभी जो अलामा साहब ने एक बात की जी, प्लीज जिस काम है उसी को करना चाहिए, इस हवाले से मैं ये अर्ज करूँ कि चूंकि हम बुनियादी तौर पर सब मुसलमान हैं, तो अगर अबरारुल हक इस बात से फेमस हो गया कि वो उसने गाने गाए थे और अब वो हदीस मुबारक जिसका मफहूम उसको आता है और ऐसी फेमस हदीस जो पूरी दुनिया में सब जानते हैं, अगर उसको उसने टीवी में बैठ के उसका जिक्र कर दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से किसको कितना प्यार है और उसका प्यार से जिक्र कर दिया, लाज से जिक्र कर दिया, मेरे भाई मैं फतवा देने की बात कर रहा हूँ, मैं फतवा देने की बात क्योंकि आपका हक है हर मुसलमान का कि हर बच्चे को बात करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल, लेकिन एक्सपर्टी की बात और होती है ना फतवा, फतवा तो देखें, फतवा तो मुफ्ती का काम है और उसके लिए आपको स्पेशल एजुकेशन और वो वहाँ क्वालिफिकेशन चाहिए। यही वजह है अबरार भाई के, वो मौलाना साहब ने ये कहा कि आप हदीस तो बयान कर सकते हैं लेकिन फतवा जारी नहीं कर सकते। बिल्कुल आप मजहबी और ऐसी दीनी बातें जिससे मैं इंस्पायर करूं अपने ऐसे नौजवानों को, और अलामा साहब आप शायद मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि बेशुमार ऐसे लोग जो शायद आपकी बात ना सुने, वो अबरारुल हक्तुल हक की या साबरी साहब की बात सुन लें, यार हम इनके फैन हैं क्या कह रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा ऐसे हुआ कि वो बैठे हुए थे सहाबा किराम की महफिल लगी हुई और मैं वो बात करूं तो वो सारे मुतवज्जो हो जाएंगे नौजवान और वो सुनेंगे उस बात। अच्छा अबरार साहब अब ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले अगर किसी अपने किसी पसंदीदा सॉन्ग के आप कुछ बोल हमें सुना दें फिर हम ब्रेक ले लेंगे। जी हाँ, ये मैं सुनाता हूँ और ये मुतल्लिक है हमारी नीयत से कि हम अपने दिल को कैसे साफ करें, वैसे है उठ संगिया ले अल्लाह दाना ते बूटी बीज ले, चंबे वाली बूटी बीज ले, हक वाली बूटी बीज ले, उठ संगिया ले इश्क दाना ते बूटी बीज ले, चंबे वाली बूटी बीज ले, हक वाली बूटी बीज ले,
दिल दी खेती दे विच पहला नीयत दा हलवा खोट अदावत नफरत झगड़े सारे मार मुका ओए नफ्स जया दुश्मन भी कोई नहीं जहर दा टीका ला लालच बदला हसद कमीना चुल्ले दे विच पा इश्क दी गोडी करके ते हंजुआ दा पानी पा ते बूटी बीज लै चंबे वाली बूटी बीज लै हक वाली बूटी बीज लै दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम दम अच्छा रारोलक साहब इससे पहले और कोई बात करें अलामा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और पर्सनली मुझे खुद भी बहुत आपकी वो जो तेरे रंग रंग बहुत जबरदस्त अगर आप मेरी फरमाइश पे अलामा साहब की फरमाइश पे थोड़ा सा वो भी अगर गुनगुना दें लेकिन मैं ये चाहूंगा फिर साबरी साहब भी मेरे साथ मिलकर फिर पढ़ें तैयार हैं आप अंदर साबरी साहब मैं बिल्कुल अफराम भाई के साथ बिल्कुल और ये तो मेरी बहुत फेवरेट गाना है रंग रंग तो मैं तो बहुत ही सुनता हूं ये जी मेरे लिए इसमें बड़ी रिस्पेक्ट की बात जी अफराम भाई साहब रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग 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 तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग मौला रंग रंग तेरे 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 रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग तूने अता किया मैंने भुला दिया तूने अता किया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया ना शुक्र किया तूने फिर से दिया ना शुक्र बहुत खूब किया जबरदस्त तूने और दिया देता ही गया दा ही गया मुंह मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवाओं में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पर मेरी अगली नजर हाँ जी नजर सितारों पर मैं फिर भी तेरे सितारों पर तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग 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 हम क्योंकि टाइम का गैप आ रहा है आपने हमारी फरमाइश पूरी की है ना इस पर यकीनन अलामा हसन जफर नकवी साहब को भी बड़ी खुशी हुई होगी क्यों अलामा साहब और फिर साथ साथ आप देखें मैं वैसे भी आरिफाना कलाम और इसका बहुत मुझे मुझ पर इतराजात भी बाज़ उलमा उठा देते हैं इस मौजू पे लेकिन मैं खुलकर ये बात कर रहा हूँ कि मैं आरिफाना कलाम को बहुत पसंद करता हूँ वारिस शाह का कलाम बुल्ले शाह का कलाम मैं सुनता रहता हूँ अगरचे बाज़ वक्त मुझे वो पंजाबी या सराइकी के लफ्ज़ समझ में नहीं आते लेकिन ये जो कलाम इन्होंने खुदा की शान में हम देख रहे हैं बड़ी समझ में आई है अच्छा अलामा साहब बिल्कुल मैं अलेलान इसमें कोई खौफ नहीं खाता हूँ कि मुझे आरिफाना कलाम बहुत पसंद है उसका आशिक हूँ और इसीलिए मैं अमजद साबरी साहब को और इनके वालिद साहब मरहूम से वो भी अभी आपको उनसे भी उनके भी बिल्कुल सुनवाते हैं अलामा साहब चूंकि अब टाइम कम है मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को अब सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है और वो जरूरत जो है वो हमारी कैसे पूरी हो सकती है और ऐसा क्या किया जाए कि सबकी सलाहियतों से फायदा उठाया जा सके देखिए हम एक पहले यहाँ पे एक फर्ज कायम करते हैं कि देखिए कोई निजाम ज्यादा जरूरी है या पाकिस्तान का तहफ्फुज़ तो पूरे सब
20 करोड़ का एक ही जवाब होगा कि कोई निजाम, जाली निजाम बनाया, ढकोसला निजाम अगर आड़े आता है हमारे वजूद के, हमारी सालमियत के, तो सालमियत हमें सबसे ज्यादा अजीज है। इस पर जरूरत उस यकसुई की है। ये जो मोहब्बत का माहौल पैदा करने जा रहे हैं सब हमारे पढ़ने वाले, जैसे भी अबरामुल्लाह साहब ने फरमाया, जब इनकी पूरी तवज्जो ज्यादातर मिल्ली नगमों की तरफ है, हम जब साहब साहब को मैं सुनता ही रहता हूँ, इस वक्त यकसुई की जरूरत है। जो सारे मजलूम लोग हैं ना, उनकी आह, ठीक है, अलावा साहब दिल की आवाज ये है, इसी पे जरा दोनों की राय भी ले लूं मैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त यकसुई की जरूरत है। अमजद साहब साहब मुख्तलिफ सोचों के लोगों को एक लड़ी में पिरोए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस काम के लिए यानी कि मुख्तलिफ सोचों से एक सोच का गुलदस्ता आपके ख्याल में कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बन सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो म्यूज़िक की जो सिंफ है, जैसे क्लासिकल है या गज़ल है या फोक है या लोक है या रॉक है जो आजकल चल रहा है वो है, तो अगर ये सब जो है ना मौसीकी के अलग अलग फूल हैं, और इन सब फूलों को अगर एक जगह मिला दिया जाए तो वो गुलदस्ता बन जाता है, और वो गुलदस्ते का नाम है कव्वाली। जबरदस्त, और वो अभी हम आपसे सुनेंगे, लेकिन इसी पे राय जरा मैं ले लूं अबरारुल हक साहब की भी कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, चूंकि अबरारुल हक साहब हर कोई इस वक्त पाकिस्तान को तब्दील करने चला है ना, और ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ख्याल है कि तब्दीली की इब्तिदा कहां से होना चाहिए, चूंकि सियासत के अलावा मैदान और भी हैं? जी हाँ, देखिए बड़ी तब्दीली तो सियासत के जरिए ही फिर आ सकती है। जैसे मौलाना साहब ने सिस्टम की बात की, अगर हम उसको तब्दील करना चाहते हैं, इंसाफ लाना चाहते हैं, इदारे बेहतर करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है एक सियासी अमल को बेहतर करने की ज़रूरत है, और उस सिलसिले में तालीम को बड़ी अहमियत दूंगा, क्योंकि जब तक लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुँचेगी ना कि उसके समरात क्या होंगे एक अच्छे सिस्टम के, लोगों को पता नहीं, दही इलाके के लोग, और अब उनको पता चलना शुरू हो स्पेशली हमारे धरने के बाद, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अवेयरनेस के बाद जो बड़ी तब्दीली आएगी वो इस मुल्क में एक, और वो सियासत के जरिए ही आएगी। बाकी अपने तौर पे तो देखें, हमने अस्पताल भी बना दिया, मैंने 24 लाख लोगों का इलाज हुआ, लेकिन वो एक पॉकेट में है कुछ लोगों, अभी मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, और हम अपने अपने तौर पे सब कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तब्दीली जो है वो एक सियासी अमल के जरिए इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, हम तब्दीली चाहते हैं, और इसके लिए कोशिशें भी हमें करना चाहिए। आखिर में अब्दुल साबरी साहब, अब आपके मशहूर कवाली जो आपको बहुत पसंद हो, वैसे तो आपकी बहुत ही मशहूर और मारूफ कवालियां हैं, जो आपको पसंद हो उसके कुछ बोल सुना दीजिए, ताकि मेरा जो प्रोग्राम है ना आज ये, इसकी एक हैप्पी एंडिंग हो जाए, और मैं सबका शुक्रिया भी कर दूं, अबरारुल हक साहब आप, अलामा हसन जफर नकवी साहब आप, और अमजद साबरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब जरा कुछ अशआर हो जाए कवाली के। जी, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, आमीन। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है, मगर मेरे लिए लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम। अबरार भाई आप भी गाइए ना प्लीज, ताजदारे हरम 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 हम गाहे करम, मैं कशो मदीने चले दसाकी कौसर से पीने चले, पीने चले डुनु डुनु डुनु, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम हरम। बहुत बहुत शुक्रिया।